प्रभात पठन में आज श्री संजीव कुमार नायक सहायक अधीक्षक सेंट्रल जेल रीवा में पदस्थ, जिनको 15 अगस्त के दिन उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नक्सली क्षेत्र में 20 साल की सेवा देने के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। जैसी खबर उनके ग्राम निवासी को पता हुई तो उन्होंने अपने गाँव का नाम रोशन करने वाले संजीव कुमार नायक के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रथम आवागमन पर ग्रामीण लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर भव्य स्वागत किया। संजू नायक से जब पूछा, उन्होंने कहा कि मैं नक्सली क्षेत्र में 20-22 सालों से लगातार जेल में सेवा दे रहा हूं और मेरे कार्यकाल का काम देखकर मुझे यह पुरस्कार दिया गया। प्रभात पट्टन में जो आपका आज स्वागत किया जा रहा है, इतना बड़ा जलसा, पूरे गणमान्य लोग आज आपके इस जलसे में उमड़े, तो ये स्वागत किस बारे में हो रहा है? मुझे 15 अगस्त के अवसर पर सराहनीय कार्य के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ है। अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको नवाजा गया, सम्मानित होकर आप आपके ग्राम में पधारे, इस कारण गांव के सभी वासी लोग आपका भव्य स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिला है वो ऐसे किस कार्य के कारण आपको? लगभग मेरी अभी 25 साल की सेवा हो गई। 25 साल की सेवा में मेरे अधिकारी द्वारा मुझे आज तक किसी प्रकार का दंड नहीं मिला है, और 25 साल में जो 6 साल मैंने बैहर बालाघाट जिले की तहसील है जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ पे मैंने सेवाएं 6 साल दी है। वहाँ पे कोई भी अधिकारी 1 साल से ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता, उसके बाद भी मैंने लगभग 6 साल वहाँ सेवा दी, और मेरे सर्विस काल में 35 लाख का इनामी दिलीप हुआ, नक्सली बंद हुआ था, और उसको मैंने अच्छे से वहाँ उसके रहने के बाद भी जेल व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे से रखा। इस विषय में मेरे को सरकार ने नवाजा। मैंने आप रीवा सेंट्रल जेल में पदस्थ हो और वो क्षेत्र पूरा नक्सली एरिया, उस क्षेत्र में आपने अच्छा कार्य किया, इस कारण आपको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी धन्यवाद।